बनाएंगे पैनकेक्स। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, टू टेबलस्पून हमने मेल्टेड बटर लिया है जिसको हमने मेल्ट कर लिया है, टू टेबलस्पून हमने शुगर ली है, हाफ टी स्पून हमने लिया है वेनेला एक्सट्रैक्ट या वेनेला एसेंस, वन टेबलस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून हमने लिया है सॉल्ट, एक कप हमने मैदा लिया है, एक अंडा ले लिया है और एक कप हमने मिल्क ले लिया है। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है जिसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेनर रख दिया है, अब यहाँ पे हम वन कप मैदा डाल देंगे और वन टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लिया है और इसको हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबलस्पून मेल्टेड बटर जिसको हमने मेल्ट कर लिया था, उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, एक अंडा और एक कप मिल्क और फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आगे का स्टेप करते हैं। हमने अपने पैन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है, इसको हर जगह चारों तरफ फैला दिया है। अब हम इसमें एक छोटाई कप बैटर डालेंगे जो हमने तैयार किया था। पैन की हीट हमने बिल्कुल लो रखी है और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। ऐसे करके अब जब यहाँ पे बबल्स आएंगे तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इधर थोड़े से बबल्स आ गए हैं, हम इसकी साइड चेंज करेंगे ऐसे करके, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। देख सकते हैं आप लोग, अब ऐसे करके हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देख सकते हैं कि इस पर आहिस्ता आहिस्ता कलर आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि इस पर कलर आना शुरू हो जाए। बहुत ही आराम से करना है। लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कुक हुआ है, आपको इतना ही कुक करना है जब इस पर ऐसा कलर आ जाए। अब ऐसे ही दूसरे भी कुक करना है, हमें दूसरे भी कुक करना है। जैसे हमने पहला वाला बनाया था वैसे ही हमें सारे बनाने हैं। देखिए जब पैनकेक्स में ऐसे से बबल जाएंगे तब आप इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं, ऐसे ही हमें बाकी सारे बना लेने हैं। तो देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है ये। लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।